विटामिन ए की कमी आमतौर पर बुजुर्ग, शिशु, गंभीर रूप से कुपोषित मरीज, पुरानी बीमारियों से पीड़ित मरीज, गर्भवती महिलाएं, इन्हीं लोगों में विटामिन ए का खतरा बढ़ जाता है। इनके अलावा जिन लोगों का मुख्य भोजन चावल होता है, उन लोगों में विटामिन ए की कमी का खतरा बढ़ जाता है। ये लोग रेगुलर बेसिस पर डॉक्टर से चेकअप करवाते रहें ताकि शरीर में विटामिन ए की कमी ना हो सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप खुश रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें।